वडोदरा शहर के आजवा रोड पर स्थित नवजीवन सोसाइटी के घर नंबर 2 में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा छापेमारी करके 3 लड़कियों के साथ 6 युवाओं को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि घर नंबर 2 में 70 साल की महिला उषाबेन जोशी बाहर से लड़कियां बुलाकर घर में सेक्स रैकेट चलाती थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात को घर पर छापेमारी की और देह व्यापार के लिए बाहर से बुलाई गई तीनों लड़कियों को हिरासत में लिया। उसी के साथ पुलिस ने वहां पर मौजूद 6 लड़कों को भी पकड़ा और उनसे 10 मोबाइल फ़ोन और नकद मिलाकर कुल 63,000 का सामान जब्त किया गया। इन सभी के खिलाफ बापूत पुलिस में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हाँ, बापूत पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर ने माहिती मिली के उषाबेन प्रतीप कुमार जोशी नवजीवन सोसायटी नंबर 2 मकान नंबर 13 राजवा रोड पर आवेल छे ते पोताना आर्थिक फायदा सारू देह व्यापार माटे बाहर थी युवतो मंगावी अने ग्राहकों ने बोलावी अने अनैतिक देह व्यापार करी अने आ कामगिरी करता होय ए बातमी आधारे तेओ त्यां रेड पाड़ता त्यां कूटनखाणू मळी आवेल पकड़ाई गयेल छे। तेमां उषाबेन प्रदीप जोशी जे मकान मालिक छे ज्या देह व्यापारनो धंधो करती तेने पण ते पण मळी आवेल छे अने त्यां ग्राहकोमां फैजल अनोरवली अंसारी शैलेश शंकर माछी पछी सूरज किशन कहार राजेंद्र भगवानदास वर्मा चिराग मोहम्मद मस्वर खा राठौर अने तौफिक मोहम्मद हनीफ सलाट नाव पण मळी आवेल छे अने तेओने पकड़ीने कायदेसरनी कार्यवाही करवामां आवेल छे। મહિલાઓમાં એ ભોગ બનનાર છે તેની વિગત આપવાની રહેતી નથી, પરંતુ જે આ કૂટણખાળું ચલાવે છે તે ઉષાબેનને આ કામે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે તેમ છેલ્લા કેટલા સમયથી પકડવામાં આવ્યું છે અને જે માહિતી પોલીસને ઉપલબ્ધ થયેલી એ અન્વયે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે। એની કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ આ માહિતી મળતા આ કાર્યવાહી કરેલી છે। પ્રોહિબિશનનું અત્યારે માહિતી મારી પાસે નથી, માત્ર આ માહિતી મારી પાસે છે। અમુક પ્રેમ પંખેડા અંદર હતા? ના, એવી કોઈ માહિતી નીકળેલ નથી, તપાસ ચાલુ છે।